भरतपुर से खबर है, अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई की गई है। 45,000 की अवैध 18 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। नगर निगम के उपचुनाव होने की वजह से ये बंद है शराब बिक्री। उसके बाद भी अवैध तरीके से बेची जा रही थी शराब, यानी आरोपी मौके से फरार भी हो गए। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई की गई, अवैध तरीके से शराब भी बेची जा रही थी, आरोपी मौके से फरार हो गए। जब वहां पर पुलिस पहुंची, अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 18 पेटी देसी शराब जब्त की गई है और 45,000 यहाँ पर शराबे। निगम के उपचुनाव होने की वजह से ये शराबे बंद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बाद भी अवैध तरीके से शराबे बेची जा रही हैं, जिसके तहत कार्रवाई की गई है आबकारी विभाग की। 45,000 की अवैध 18 पेटी देसी शराब यहाँ पर जब्त की गई। नगर निगम के उपचुनाव होने की वजह से वहां पर अलर्ट था, एकदम सख्ती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई। आखिर कैसे ये शराबे बेची जा रही थी। भरतपुर में मध्यावधि चुनाव, वार्ड पार्षद के मध्यावधि चुनाव होने पर सरकार द्वारा ड्राई डे की 18 तारीख से 20 तारीख तक के आदेश पर शुष्क दिवस की पालना में कार्यालय पर जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास राजेश मिष्ठान भंडार वाली गली, जो कि तूफानी मोहल्ले की तरफ जाती है, उसमें एक दुकान में तेजवीर सनोप अनोखेलाल निवासी उवार जाति जाट अवैध शराब बिक्री कर रहा है और उसमें भारी मात्रा में शराब रखकर इस ड्राई डे की को बंग। भरतपुर से अजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? ने ये 18 पेटी जो अवैध शराब है वो तो बरामद कर लिए हैं, आरोपी फरार हो गया है। लेकिन आबकारी विभाग का जो थाना अधिकारी है शेखावत जी, उनका ये कहना है शेखावत से कि उस जिस दुकान में ये शराब रखी हुई थी उस दुकान के मालिक कौन है, उसके द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि आखिर यहाँ पर शराब कौन बेच रहा था। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर शहर के नगर निगम के वार्ड नंबर 55 में एक पार्षद थे जो कि जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में वहां पर उपचुनाव होने हैं। 18 से 20 तारीख के बीच में आबकारी विभाग ने 5 मीटर की जो पर्दी है उसमें अवैध शराब, वो जो शराब की जो दुकान है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसके बावजूद भी ये रेलवे स्टेशन के पास में तूफानी मोहल्ला है, वहां पर ये अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, जिसकी सूचना आबकारी विभाग को मिली तो उन्होंने तत्काल आज सुबह ही कार्रवाई करते हुए वहां से करीब 18 पेटी बरामद कर ली है और आरोपी मौके से फरार हो गया है। जी, उपचुनाव होने की वजह से ड्राई डे रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लापरवाही बरती जाती है। आखिर पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल क्या सर्च ऑपरेशन, कोई यहाँ पर सुराग मिल पाया आरोपियों का फरार, कोई सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये 2 दिन के जो 18 और इससे 20 के बीच में जो उपचुनाव होने हैं उसको देखते हुए तमाम जो सरकार की तरफ से जो अनुज्ञाधारी हैं जिनके ठेके खुले हुए हैं शराब के, वो बंद करवा दिए हैं। हालांकि पुलिस और आबकारी विभाग जगह जगह पर चेकिंग भी कर रहे हैं इस चीज की। उसी चेकिंग के दौरान जो मुखबिर है उसके जरिए ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर काफी संख्या में शराब रखी है और अवैध तरीके से इसको बेचा जा रहा है, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो अवैध शराब को जब्त तो कर लिया गया है, लेकिन आरोपी फरार हो गए हैं और साथ ही कैसे नगर निगम के उपचुनाव होने की वजह से ये बंद थी शराब और ड्राई डे था, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही बरती गई, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग ने मौके से ही कार्रवाई की गई।